नमित कुमारी आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं। तो वक्त जाया किए बिना जल्दी से हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लें। मगर उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं होता, एग्रीकल्चर का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज करें कि वो इंसान की भलाई के काम आए। फिर वो चाहे आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, लैंड का यूज कर रहे हैं, या फिर आप फिशरीज कर रहे हैं। देखिए फिश भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, दूध की डायरी है आपकी, ये सारी चीजें भी तो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो अगर इन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंसान की भलाई हो सके तो वो भी एग्रीकल्चर में काउंट होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब है कि कोई चीज आपने प्रोड्यूस करी, उसके बाद उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है और उसके बाद उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है। तो इतने लंबे प्रोसेस में आने वाली सभी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन मार्केटिंग कहलाता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या समझ आया हमें कि एग्रीकल्चर में होने वाली सभी एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। इसमें हम सिर्फ खेती नहीं करते, हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया फिशरीज, पोल्ट्री फार्म या मधुमक्खी पालन, दूध की डेयरी, इस तरह की चीजें, ठीक है, या घोड़ा पाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग में आती है, यानी इन चीजों से होने वाला उत्पादन हम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे करें और पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। ये हो गया मार्केटिंग। बात क्लियर हो गई। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं। हमने एक शॉर्ट में तो पढ़ ही लिया, अच्छे से भी मीनिंग हम इसका देख लें। इसमें बोला गया है कि इन सिंपल वर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, ठीक है। अब यहाँ एग्रीकल्चर इनपुट्स का मतलब क्या है, वो चीजें जिनसे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फिश या फिर हेन और गाय भैंस वगैरह, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर इनपुट में आती हैं। अब इनसे होने वाला उत्पादन हम जब कंज्यूमर को बेच देंगे तो वो मार्केटिंग में आ जाएगा, ठीक है। और जिस मार्केट में ये सारी चीजें खरीदी या बेची जाती हैं उसको एग्रीकल्चर मार्केट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं इनके क्या फीचर्स हैं। सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोलना भूल गई। तो फर्स्ट है सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सीजनल होते हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए उनको उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद वो चीज यूज नहीं होती, मतलब पूरा साल हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरा साल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बात की जाए गेहूं, चावल, दालें, वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीजनल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दूध की डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो पूरा साल चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना, जिसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता, हफ्ता, दस दिन, इससे ऊपर वो नहीं चलते, खराब हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पूरा साल अगर आप उन्हें स्टोर करके रखें तो भी वो खराब नहीं होते। तो जो प्रोडक्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं उनको हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, या फिर हम कह सकते हैं फिश, या फिर आपका सब्जियां और वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, हमारे पेरिशेबल में। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनको स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका गेहूं, चावल, दालें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्किनेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बल्क में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी उनकी एक बार में बनाई जा सकती है। जैसे गेहूं, हम बड़े से एक बड़े से खेत में हम बहुत सारे गेहूं उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, आलू उगा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप बल्क में बनाएंगे यानी थोक में प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम आएगी, और जितना थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर होने वाला खर्चा ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है स्मॉल साइज होल्डिंग्स एंड स्कैटर्ड प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारी जो होल्डिंग्स हैं वो बहुत छोटी है, यानी कि किसानों के पास जो जमीनें हैं वो बहुत थोड़ी हैं। बड़े फार्मर्स हमारे पास कम है, छोटे किसान ज्यादा हैं। थोड़ी जमीन होने के कारण प्रोडक्शन भी थोड़ा होता है, और हम स्कैटर्ड फार्मिंग भी समझ लेते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ होना। जैसे सपोज करते हैं कि आपका लैंड है पूरा, ठीक है, इसको कुछ हिस्से कर दिए गए हैं। अब हो सकता है एक फैमिली थी जिसमें चार भाई थे, उनमें जमीन का बंटवारा हुआ, एक भाई को यहां वाली जमीन मिली, फिर एक टुकड़ा यहां मिला उसको और एक टुकड़ा यहां मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो अगर उसको ये तीनों टुकड़े इकट्ठे मिल जाते तो सपोज इस तरीके से, ठीक है ना, ये जैसे यहां से यहां इस तरीके से, तो इसके पास ज्यादा लैंड होता और ये ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन अब इसको अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बिखरा हुआ लैंड मिला है, जिस वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, मतलब उपजाऊ कितनी है लैंड, एग्रीकल्चर हमारा क्लाइमेट कैसा है, सीजन कैसा है, इन सभी चीजों से हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। अगर ये चीजें हमारे फेवर में है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर ये चीजें हमारे फेवर में नहीं है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो सकती है। जैसे कि हरियाणा पंजाब का वेदर और जो लैंड है वो फर्टाइल बहुत है, इसीलिए यहाँ पर गेहूं चावल बहुत उगाऊ, मतलब बहुत ज्यादा उगाया जाता है। जो आसाम या वेस्ट बंगाल है वहां का क्लाइमेट, सीजन और लैंड जो है वो टी यानी चाय पत्ती के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए वहां चाय का उत्पादन होता है। राजस्थान गुजरात में ज्यादा उत्पादन कॉटन का होता है क्योंकि उनका वेदर वैसा है। तो वेदर हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इसका मतलब होता है कि मार्केट में आप चाहे सप्लाई बढ़ा दें चाहे सप्लाई कम कर दें, डिमांड उतनी ही रहती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या आता है, बेसिक चीजें जैसे कि गेहूं, दाल, चावल और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है ना, मीट। अब ये चीजें क्या है, जिन लोगों को ये चीजें खानी है वो तो खाएंगे ही, चाहे आप रेट बढ़ा भी दे तो भी वीट तो खाना है, आटा तो सबको चाहिए भाई, दालें तो सभी को चाहिए, चावल सबको चाहिए। तो आप उसके रेट चाहे बढ़ा दें चाहे कम कर दें, डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम कहां कहां बेच सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती की बात नहीं हो रही, यहां पर दूसरे उत्पादनों की भी बात हो रही है, जैसे कि फिशरीज, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, हॉर्स, हनी बी यानी मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब कि किसान सबसे पहले अपना सामान जिस मार्केट में बेचता है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब इस मार्केट में सामान वो क्यों बेचने जाता है, इसके भी कुछ रीजंस हैं। अब किसान ने जो उत्पादन किया वो किसी एक गांव में कर रहा है, लेकिन उसके पास अगर सोर्सेज नहीं है तो वो किसी और शहर में जाकर सामान नहीं बेच सकता, तो वो क्या करेगा, जितना सामान उसको खुद की लाइफ के लिए चाहिए जीने के लिए उतना वो अपने पास रखेगा, जैसे कि गेहूं चावल अपने पास सेव करके रखेगा, बाकी वो बेचने के लिए जाएगा। अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता तो वो कहां जाएगा, प्राइमरी मार्केट में। तो इसके क्या रीजन है, फर्स्ट इनडेटनेस टू बनिया, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, बनिए महाजन होते थे और आड़ती आज भी हैं, आड़ती हम जिनको बोलते हैं ब्रोकर्स वगैरह, इनका काम क्या होता है कि ये किसानों से फसल खरीदते हैं,
सस्ते दामों पर और खुद बड़ी मंडियों में जाकर उसे महंगे दामों पे बेचते हैं। इससे किसान का क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं है, उसको तो नुकसान है। सारा साल उसने मेहनत करी, धूप गर्मी बारिश सब बर्दाश्त करके उसने जब प्रोडक्शन किया तो वो अच्छे दाम पर खुद तो बेचने नहीं गया बेचारा, उसने किसको बेचा? बनिया को या महाजन को, और उन्होंने उसे लिया सस्ते दाम पे, आगे महंगे दाम पे खुद बेच लिया, ज्यादा प्रॉफिट खुद कमा लिया। लेकिन उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? किसान को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, प्राइमरी मार्केट में उसे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इनडेटनेस यानी उधारी। ठीक है, जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी उसने बनिया या महाजन से उधार लिया या आड़ती से उधार लिया और उसको प्रॉमिस किया कि जब मेरी फसल होगी मैं उसकी कटाई के बाद वो फसल आपको बेच दूंगा और अपना उधार चुका दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड रीजन क्या है, अर्जेंट नीड ऑफ मनी। जब अचानक से हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम ज्यादा दूर मार्केट में जाकर सामान बेचे, तो हम प्राइमरी मार्केट में ही सामान बेच देते हैं। थर्ड, लेस मार्केटिंग सरप्लस। मार्केटिंग सरप्लस जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसान क्या करता है, जितना भी उसका प्रोडक्शन हुआ है उसमें से थोड़ा प्रोडक्शन वो अपने पास रखता है अपने खाने पीने के लिए और बाकी वो जो बच जाता है उसको बेचने जाता है। लेकिन बचता ही बहुत कम है क्योंकि यहाँ स्मॉल होल्डिंग्स है, स्कैटर्ड होल्डिंग्स है, तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता और ज्यादा प्रोडक्शन ना होने की वजह से बेचने के लिए सरप्लस अनाज उनके पास नहीं होता। तो ये रीजन है जिसकी वजह से वो प्राइमरी मार्केट में जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है फेयर मार्केट। फेयर का मतलब मेला वगैरह लगता है, बड़ी बड़ी मंडियां या हाट वगैरह होती है। ठीक है ना, तो फेयर मार्केट में जाकर भी किसान अपना सामान बेच सकता है। यहां पर हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है कि अच्छा रेट इनको मिल जाता है क्योंकि ये मेला है, यहाँ हर तरह का क्लाइंट आता है और वो उनके साथ डील कर सकते हैं, मनचाहा रेट ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है होलसेल मार्केट। ये तो सभी को पता होगा, होलसेलर्स आड़ती को बोला गया यहाँ पर, या फिर उन लोगों को जो बल्क में यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसानों से अनाज खरीद लेते हैं और फिर आगे उनको छोटे दुकानदारों को बेचते हैं या कस्टमर्स को बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर शहर में एक छोटी मंडी होती है सब्जी की और एक बड़ी मंडी होती है। छोटी सब्जी मंडी में थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बैठा होता है रिटेलर, है ना, और बड़ी मंडी में जब आप जाएंगे तो अगर एक शॉप है ना तो उसके पास सिर्फ गेहूं ही गेहूं है, एक है उसके पास सिर्फ गोभी ही गोभी है, दूसरा बैठा है वो सिर्फ आलू ही आलू लेके बैठा है, हर तरह की क्वालिटी उसके पास है। ठीक है, मोटा आलू, पतला आलू, पहाड़ी आलू, ऐसा आलू वैसा आलू, हर तरह के आलू उसके पास अवेलेबल होते हैं। वो होती है होलसेल मार्केट, जहां पर वो किसानों से हर क्वांटिटी का और हर क्वालिटी का आलू या प्याज टमाटर जो भी है खरीद लेता है और उसको सेव करके रखता है। नेक्स्ट है रिटेल मार्केट। मैंने अभी बताया रिटेल मार्केट क्या है, छोटे छोटे दुकानदार जिनके पास तरह तरह का सामान होता है, जैसे थोड़े आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है, ठीक है, या मटर है, पालक है, थोड़ा थोड़ा रखा होता है, ठीक है, और हम कंज्यूमर उनसे डायरेक्ट सामान खरीदते हैं तो रिटेल को भी वो सामान बेच सकते हैं। तो चार तरीके से हमारे पास मार्केट्स हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्शन को बेच सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फर्स्ट है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है कि अलग अलग एरियाज में जो प्रोडक्शन हुआ है उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग शहरों में अलग अलग गांव में प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उत्पादन हो रहा है, और जब वो उत्पादन मार्केट्स में आता है तो उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह पर रख लिया जाता है ताकि आगे का काम किया जा सके। असेंबल के बाद हम क्या करते हैं, उनकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास उत्पादन आया है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या क्लासिफिकेशन कर दें। जैसे कि जो सबसे बढ़िया क्वालिटी, सपोज आलू आए हैं, सबसे बढ़िया क्वालिटी के जो आलू है उनको एक साइड रख लिया जाए, उससे थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी वाले जो आलू है उनकी अलग ढेरी बना ली जाए, फिर उससे कम जो थोड़े कटे फटे हैं या गले हुए हैं जो उसकी अलग ढेरी बना ली जाए, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग फिर हम उनके रेट्स फिक्स करते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा रेट रखा जाएगा।
तो हमने क्वालिटी के बेसिस पर जो ये अलग अलग ढेरियां बनाई हैं, क्लासिफिकेशन किया है, इसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी ग्रेड ए होती है, फिर ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरीके से। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है और बाकी जो बचता है वो इंडिया में हम सेल्फ कंजम्पशन करते हैं। थर्ड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कन्वर्ट करना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो जाता है, उसकी फॉर्म बदल दी जाती है, तो वो होता है प्रोसेसिंग। जैसे कि गेहूं को पीसकर आटा बना लिया जाता है, तो गेहूं था रॉ मटेरियल और जब वो प्रोसेस हुआ तो वो आटा बन गया। इसी तरह गन्ने से चीनी बनाई जाती है, कॉटन से सूत बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो सभी को पता होगा कि एक एरिया से दूसरी एरिया में हम जब किसी व्हीकल के जरिए सामान पहुंचाते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर वो चाहे आप ट्रक का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें, कार सॉरी ट्रेन का इस्तेमाल करें, पानी का जहाज, एरोप्लेन, कोई भी तरीका हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सामान है वो बहुत ज्यादा है मगर उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो सामान हम स्टोर करके रखते हैं उसे स्टोरेज कहा जाता है। ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो देखा आपने मार्केटिंग में क्या क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है पैकेजिंग। प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है ताकि कंज्यूमर उसको आसानी से उठाकर ले जा सके और वो डस्ट से, कीड़े मकोड़ों से, गंदगी से बचा रहे। यही वजह है जैसे आप ब्रेड लेने अगर जाते हैं तो उसकी पैकिंग होती है प्रॉपर, ताकि उसमें फंगस ना लगे, कीड़े मकोड़े ना चढ़े, चूहा ना खा जाए उसे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसको आपने ग्रेडिंग की है, अब आप उसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। फिर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या तो आप होलसेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं या रिटेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं या हम डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस। अब हम बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है या क्या रोल है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, क्यों हमें एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कम रिसोर्सेज से ज्यादा लोगों की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम सही समय पर सही कस्टमर को सामान प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फार्म इनकम। फार्म का मतलब यहाँ सिर्फ खेती नहीं है, फार्म का मतलब कोई भी फार्म हो सकता है, लाइक पोल्ट्री फार्म या फिर आपका हनी बी फार्म या फिर आप हॉर्स का काम करते हैं या दूध की डेयरी है, कोई भी। इन सभी की इनकम्स में बढ़ोतरी होती है अगर हम एग्रीकल्चर की प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमें प्रॉपर मार्केट अवेलेबल हो जाती है, हमें कस्टमर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने का मौका मिलता है, तो हम अच्छे से इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यस, मार्केटिंग करने में देखिए कितने सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है और ये सारी एक्टिविटीज कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता। हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और जब हम बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं तो ऑब्वियसली हम एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के सामान पे डिपेंड है, यानी उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाए और उसकी मार्केटिंग इम्प्रूव हो जाए तो इन इंडस्ट्रीज का फायदा होता है। जैसे कि अगर आपका काम है शुगर बनाने का तो उसके लिए शुगर केन रॉ मटेरियल है जो कि आता है खेतों से। अगर आपका काम है कॉटन के कपड़े बनाने का, आपकी मिल है, तो कॉटन कहाँ से आएगा, वो आएगा खेतों से, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज भी इंप्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है अडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि मार्केट में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रहा है उसकी ग्रेडिंग करने के बाद हम कस्टमर को नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसानों की फसल का अच्छा दाम उन्हें देंगे तो उनके पास पैसा आएगा और वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकेंगे, तो इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यस, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अगर आप किसानों की इनकम बढ़ा रहे हैं, अगर आप और लोगों का बेनिफिट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सारी इनकम कहाँ काउंट होती है, एक नेशन की इनकम में, और अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ जाती है जिससे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।